बैठ के उनके पास इस पार्टी में वेट कर रहा है। उनको पता नहीं था जब उन्होंने ये पार्टी हॉल में एंटर किया, क्योंकि थिंग्स विल प्ले आउट इन दैट वे विच विल फाइनली लीड टू हिज डेथ। सो दिस इज व्हाट वाज वेटिंग फॉर हिम इन द एनवायरनमेंट ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 13th of June और इन दैट पार्टी इन दैट फाइट। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का जो ये वाला बात बता रहा था, एक्सप्लेन कर रही थी, तो यहाँ पे देखो एक इंटिमेसी का कार्ड आया है। देयर इज समथिंग रिलेटेड विद इंटिमेसी दैट वेंट रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। यू आर रेडी टू लेट लव इन, कंपैशनेटली आइडेंटिफाई इट। सो यहाँ पे सारी चीजें हुई। अब कॉन्शियस लेवल पे देखो क्या हो रहा है। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्स है, आगे तो सोच ही रही है, फोरसाइटेड वे में सोच ही रही है, बैक ऑफ द माइंड में भी काफी चल रहा है इसके, फ्रंट ऑफ द माइंड में भी काफी चल रहा है इसके। कॉन्शियस लेवल पे देखिए, इस फाइट में, ये जो फाइट हुआ था कॉन्शियस लेवल पे, जिसपे काफी लोग इन्वॉल्व है, ये वाला पहले वाले रीडिंग से हमें पता है, ठीक है। ऑल द पावरफुल पीपल आर इन्वॉल्व, द पावरफुल स्ट्रगल इज गोइंग ऑन इन दिस होल फाइट एंड इन दिस होल प्लानिंग ऑफ अ हश हश टू हैव दिस पार्टी और गेट सुशांत इन टू दिस पार्टी फॉर हीलिंग, बट समथिंग एल्स वॉज प्लान इन दिस पार्टी। ठीक है, तो कॉन्शियस लेवल पे इस फाइट के क्या चीज था, पैसे का भी एंगल आया है। Somebody or all the people who are involved in this fight, जो कि उनको पार्टी में लेके गए थे जहाँ पे फाइट हुई, या फिर जो पहले वाले रीडिंग से पता चल गया है, किंग ऑफ कप्स है, एम्परर है, थिंकिंग मैन है, दिस लेडी है, और इसके सारे जो भी लोग होंगे और जो इन्होंने इनैक्ट किया होगा, तो पैसे के बारे में काफी सोच रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, तो पैसे के बारे में आपको पता ही है कि दिस लेडी केम इन हिज लाइफ फॉर ओनली मनी। ठीक है, तो वो भी पैसे के बारे में सोच रही है। अब यहाँ पे इस रीडिंग में लास्ट में हमारा क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स आ गया है। ये नाइट ऑफ कप्स आपको पता है एक रीडिंग में आया हुआ है, ही वॉज द मेन कैरेक्टर इन दैट रीडिंग वेयर आई हैड आस्क्ड व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस गाय विद द होल डेथ मिस्ट्री। तो ये आया था, इसकी काफी सारी यू नो ही हैड बिग प्लान्स फ्रॉम सुशांत हार्ड earned ideas and stuff। तो ये भी last card है ऐसे reading का, यानी कि ये भी पैसे के बारे में सोच रहा है, इसका भी कोई interest है इस fight में, ये 13th June में, और whatever that happened with Sushant। तो ये भी पैसे के बारे में सोच रहा है, ये भी एक party है इस 13th night को जो हुआ था, ये भी उसका एक important, definitely this guy was present there। तो ये वाले रीडिंग में भी प्रेजेंट है, इस फाइट में भी प्रेजेंट है। तो दिस लेडी इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस गाय इज ऑल्सो प्रेजेंट, और दे पैसे के बारे में सोच रहे हैं और काफी सारी चीजें जो कर रहे हैं कर रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस करो कि जो भी पावरफुल लोग थे जो लास्ट वाली रीडिंग में आए थे 13th June के रीडिंग में, किंग ऑफ कप्स, एम्परर और थिंकिंग मैन, ये सारे अभी वाले फाइट में नहीं आए हैं। ओके, जब फाइट हुई है 13th June को पार्टी में, ये लोग नहीं आए हैं, यानी कि ये लोग प्लानिंग स्टेज में थे, क्योंकि ये पहले वाले इस रीडिंग में हमने जो किया था तो वो प्लानिंग में थे, और मोर इम्पोर्टेंटली बैक ऑफ द डेक में थे, तो उन्होंने प्लानिंग कर रहे थे, अवे फ्रॉम द सीन थे, बैकड्रॉप में वो लोग अपना काम कर रहे थे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें बताई हूँ। तो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, इसको फिक्स करना होगा, ये बात सोच रहे हैं, सुशांत नीड्स टू बी फिक्स्ड, एंड दैट इज व्हाई हश हश में सुशांत को बुलाया गया है, प्लानिंग किया गया है, क्योंकि अगर ये मुंह खोलेंगे, सुशांत ने ऑलरेडी कुछ तो डेयरिंग चीज यहाँ पे डिसाइड की है, लिस्टिंग टू हिज इनर वॉइस, गोइंग अगेंस्ट द माइटी एंड द सुपर माइटी। ओके, एंड ही वॉज डेफिनेटली आई वुड से शोइंग लॉट ऑफ कट्स, लॉट ऑफ जिगरा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतने पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने ये तलवार उठा ली है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि वो इमोशनली बहुत वीक थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे, और बाकी तो चारों तरफ से हाइनर्स से घिरे हुए थे, एंड तभी भी उसने उस लड़की के लिए फाइट तलवार उठा ली। अगर आप देखो तो काफी जिगरा वाला आदमी था ये। अब यहाँ पे सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं, उनको पता है कि अगर उनको आगे बढ़ना है, उनका रास्ता आगे का क्लियर होना है, पैसे से रिलेटेड हर चीज जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसको, इट हैज टू फॉल एट अ राइट प्लेस। रिमेंबर द 13th June का जो रीडिंग किया था, वहां पे अंडर करंट कार्ड क्या था, एवरीथिंग गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो फॉर देम टू एवरीथिंग फॉल इन टू द राइट प्लेस, क्या तरह का राइट प्लेस, ताकि उन्होंने जितना भी पैसा अर्न किया है, हर
लोगों ने, छोटे बड़े हर लोगों ने जो भी पैसा अर्न किया है, किसी को 1-2-4 करोड़, 10 करोड़ चाहिए था, किसी को मैसिव बिलियंस चाहिए था, जो भी चार चीज है, उस चीज को फिट बैठने के लिए यहाँ पे भी सब चीज सेटल करना है। ये कुछ बोलना चाह रहा है, यहाँ पे भी कुछ सेटलमेंट करना है, पैसा का बात है, सेटलमेंट का बात है, कुछ बात लिखनी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो रास्ता आगे का क्लियर दिख नहीं रहा है इन लोगों को, और पैसे का भी एंगल है। तो इस सब चीज को ठीक करने के लिए, सो दैट थिंग्स कीप फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एट ऑफ वॉन्स का कहना था दे हैव प्लान्ड दिस होल फाइट बिकॉज वी आर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज दैट वी नीड टू नो अबाउट द फाइट। ऑलराइट, तो ये वाला कॉन्शियस लेवल पे हुआ है। अब सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है देखिए,